पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भेजोई कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने मैं पुलिस टीम के चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम पवासा से अभियुक्त सुनील कुमार को एक ट्रक में पतंजलि के च्यवनप्राश व हनी की पेटियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 270 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का के साथ गिरफ्तार किया व उसका साथी अमित कुमार मौके से भागने में कामयाब रहा। बरामद शराब की कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संबल यमुना प्रसाद ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत भेजोई कोतवाली क्षेत्र के पवासा में मुखबिर की सूचना पर सुनील कुमार नाम के युवक को एक ट्रक के साथ पकड़ा गया, तो ट्रक में च्यवनप्राश वाहन की पेटियों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 270 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में भेजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत जो पवासा चौकी है वहाँ पे एक सुनील कुमार को एक ट्रक के साथ पकड़ा गया। जब उसको चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट च्यवनप्राश और हनी उसमें लदे हुए हैं। गहनता से जब उस ट्रक की छानबीन की गई तो उसमें 270 पेटी अंग्रेजी शराब भरी हुई थी जो हरियाणा मार्का थी। इसमें दो ब्रांड थे, नाइट ब्लू व रॉयल स्टेज। ये सेल फॉर ओनली हरियाणा ब्रांड के शराब थे जो केवल हरियाणा में बिकने के लिए थे। उसको ये लोग अवैध रूप से ला करके मुजफ्फरनगर, बरेली, संभल, रामपुर आदि जनपदों में सप्लाई करते थे। अब ये ट्रक पकड़ा गया है और इनके साथ इसका एक साथी जो अमित कुमार है, जो हरियाणा में इनको माल सप्लाई करता है, उसका भी नाम प्रकाश में आया है और उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से ये गैंग पकड़ा गया है। अब इसमें पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। टोटल माल करीब 18 लाख रुपए का है और ये ट्रक भी इसके साथ में पकड़ा गया है और अब इन जो ये नेक्सस है, ये गैंग है, इसको पूरी तरह से बस्ट किया गया। जैसा कि इस प्रोडक्ट के साथ में बताते हैं, दिल्ली का च्यवनप्राश और हनी ऊपर से रखे हुए थे और ये इसी तरीके से नेशनल इंटरनेशनल सामान ला करके उसके साथ में उसके अंदर छिपा करके जो दूसरे स्टेट का शराब है उसको ला करके लोगों में बेचते थे, सप्लाई करते थे।